अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, हम देख रहे थे जी नेटिंग स्टिचेस जो हैं हमारे पास नेट टाक पर मिस, इनकी मैं एक वीडियो दिखाता हूँ आपको, ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए कि ये किस तरह से टाक नेट और मिस लूप्स बनती हैं। अच्छा, ये टेक्निकल फेस और बैक दिखाया गया है। इसमें ये फेस साइड पे लेग्स नजर आ रही हैं, इसमें ये हेड नजर आ रहा है। अब ये ब्लू कलर में आप देखें, ये लेग्स अपीयर हो रही हैं फ्रंट साइड पे। इसमें ब्लू कलर में देखें, ये लेग्स बैक साइड पे हैं और इसका जो हेड ये है ये फ्रंट साइड पे है, ठीक है, जबकि इसमें ये हेड बैक साइड पे है। तो ये इसके फैब्रिक के फेस की और बैक की पहचान होती है एक सिंपल सिंगल जर्सी फैब्रिक के अंदर। और कुछ फैब्रिक टाइप ऐसे होते हैं जिसमें फेस और बैक सेम होती है, ठीक है। कौन से हैं वो हम देखेंगे आगे, कौन कौन सी टाइप होती हैं। अच्छा, अब ये तो सिंपल हमारी नेट स्टिच हो गई। अब ये नेक्स्ट है टक स्टिच, ठीक है। अगर आप इसमें ग्रीन कलर के यार्न पे फोकस करें, ये उसकी फेस साइड है, ये बैक साइड है, ठीक है, तो आप यार्न यहाँ पे एक पॉइंट के ऊपर दो यार्न कंबाइन हुए हैं, किस तरह से हुए हैं वो देखते हैं। अब नीडल एक्शन क्या होता है जी टक स्टिच के लिए, वो देखते हैं। ये नीडल अप मूव करेगी रेस्ट पोजीशन से, ये ओल्ड लूप है। जब ये अप मूव करेगी तो नॉर्मली इसको लैच को क्लियर कर देना चाहिए और नीचे चले जाना चाहिए, पर इसमें ऐसा होगा नहीं। अब वो क्योंकि उसने क्लियर नहीं किया, ज्यादा ऊपर नहीं मूव की, वहीं से न्यू यान फीड हुआ और वो उसको लेके नीचे आ गई, ठीक है। तो एक ही पॉइंट के ऊपर दो लूप्स इकट्ठी हो जाएंगी। अब नेक्स्ट साइकिल में ये नीडल जो है ये टोटली अप मूव करेगी, ये लैच को दोनों लूप्स क्लियर करेंगी, उसके बाद इसको क्लोज करेंगी और नीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों जो हेल्ड और टक लूप हैं, इनमें से नॉकओवर होके न्यू यार्न पास कर देगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट के ऊपर दो लूप्स इकट्ठी हो चुकी हैं, इस पॉइंट को हम टक स्टिच कहेंगे। टक लूप की वजह से जो फैब्रिक होता है वो जरा वाइडर और थिकर बनता है। जब हम निट वेरिएशंस यूज करते हैं फैब्रिक के अंदर, तो मुख्तलिफ तरह की प्रॉपर्टीज अचीव करने के लिए या डिजाइन वेरिएशंस अचीव करने के लिए हम मुख्तलिफ तरह की निटिंग स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं, निट टक या मिस। इस सूरत हाल में जो फैब्रिक होगा वो जरा उसकी एक्सटेंशन कम होगी, स्ट्रेचेबिलिटी उसमें कम होगी। ये इस तरह की अपीयरेंस होगी। अगर आप पीके फैब्रिक देखें तो वो टक स्टिचेस उसमें होती हैं ज्यादातर। इनमें स्ट्रेच भी होती है और ये अपनी शेप को भी रिटेन करके रखती हैं, शेप वेरी नहीं करती इनकी जल्दी। अब नेक्स्ट जो है हमारी थर्ड टाइप, वो फ्लोट स्टिच है।
ये अगर फेस साइड पे देखें इस तरह की होगी, और बैक साइड पे फ्लोट इस तरह का नजर आएगा, ठीक है। इसको मिस स्टिच भी कहते हैं और फ्लोट स्टिच भी कहते हैं। ये बनती कैसे है अब ये देखते हैं हम कि इसमें निडल करती क्या है। अब इसमें यान जो है वो निडल की हुक की बैक साइड पे आता है, उसकी हुक के अंदर नहीं आता, ठीक है, जिसकी वजह से वो यान लूप ही नहीं बनाता। इसमें नीडल जो है वो रेस्ट पोजीशन पे ही रहती है। अगर ऊपर जाएगी तो ये न्यू यान इसमें फीड होगा, अगर ये ऊपर ही नहीं जाएगी तो इसमें यान फीड नहीं होगा, जिसकी वजह से यान इसकी बैक साइड पे आ जाएगा। तो एक पॉइंट के ऊपर ये अपनी पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन में ही रहेगी, और जब नेक्स्ट साइकिल आएगा तब ये अप जाएगी। तो जहाँ पे फ्लोट स्टिच देनी होती है वहाँ पे नीडल को मूव ही नहीं करवाया जाता, उसको रेस्ट पोजीशन में ही रखा जाता है। तो नेक्स्ट साइकिल में जब निट स्टिच दोबारा से देनी है, ये कंबिनेशन होते हैं, कहीं पे निट स्टिच, कहीं पे मिस, कहीं पे टक, जो जहाँ पे देनी है। अगर हमने किसी एक जगह पे मिस स्टिच देनी है, उसके बाद दोबारा निट स्टिच देनी है, तो हमने जिस जगह पे मिस स्टिच देनी है वहाँ पे नीडल को मूव नहीं कराएंगे, और नेक्स्ट साइकिल में हम उसको मूव करवा देंगे। तो जब नीडल ऊपर जाएगी, आप मूव करेगी, तो यार्न फीडिंग होगी, उसके हुक के अंदर यार्न आएगा और उसकी वजह से लूप फॉर्मेशन होगी। अब इस तरह का फैब्रिक में वेरिएशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े फ्लोट्स आपको नजर आएंगे। ये अगर आप देखें यहाँ पे आपको ये बड़े बड़े फ्लोट्स नजर आ रहे हैं, इसको मिस स्टिच या फ्लोट स्टिच भी कहते हैं। तो इससे फैब्रिक जो है उसकी एक्सटेंशन मजीद कम हो जाती है, ठीक है, ज्यादा वो स्ट्रेचेबल नहीं रहता, क्योंकि ये स्ट्रेट कॉन्फ़िगरेशन में होता है, लूप की फॉर्म में नहीं होता, इसलिए फैब्रिक में जो स्ट्रेचेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो ये अगर चेकरबोर्ड पैटर्न देखें आप, इसमें ये फ्लोट स्टिचेज हैं, ठीक है, ये इस फैब्रिक के अंदर आपको ये बैक साइड पे नज़र आ रही है। एक साइड पे लूप्स का फ्लोट करवा के एक तरह का कलर दे सकते हैं, और दूसरी साइड पे दूसरा कलर हो सकता है, इसमें ये वेरिएशंस भी आप ला सकते हैं। वापस स्लाइड्स पे जाते हैं और इसके बारे में देखते हैं। अब हम नेट स्टिच हमने स्टडी कर लिया था कि किस तरह से होती है, टक स्टिच स्टडी कर रहे थे। टक स्टिच इज कंपोज ऑफ अ हेड लूप, वन और मोर टक लूप्स एंड नेटेड लूप्स। इट इज प्रोड्यूस व्हेन अ नीडल होल्डिंग इट्स लूप आल्सो रिसीव्स द न्यू लूप। तो एक नीडल जो है उसके पास एक लूप है, ओल्ड लूप, उसकी लैच ने उसको क्लियर नहीं किया और वो उसने न्यू यान को भी लेके एक लूप बना दी है, ठीक है। ऐसे में होता क्या है, विच बिकम्स अ टक लूप बिकॉज इट इज नॉट इंटरमेश थ्रू द ओल्ड लूप। अब उसने क्योंकि पुरानी लूप के अंदर वो इंटरमेश नहीं हुई, तो इस वजह से वो एक टक लूप बना देती है इस जगह, बट इज टक इन बिहाइंड इट और ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द स्टिच। अगर आप, हमने ये वीडियो में भी देखा है, तो दोबारा से इसको हम डायग्रामेटिक के लिए भी देख लेते हैं कि ये जो पॉइंट है इस पे दो लूप्स इकट्ठी हो गई हैं, तो इस पॉइंट को टक स्टिच कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये नीडल भी देखें, अगर आप ये वाली नीडल जो है इस नीडल के ऊपर दो लूप से एक ही पॉइंट के ऊपर है और एक ही शेप में है, ठीक है, आप ये जब दोनों नीडल आप मूव करेगी, दोनों लैच को क्लियर करेंगी, तो एक ही पॉइंट पे दो लूप इकट्ठी हो चुकी होंगी, फैब्रिक में कुछ इस तरह की अपीयरेंस इसकी होगी। लास्ट है थर्ड हमारी, मिस फ्लोट और नॉन नेट स्टिच, ये सारे इसके नाम है। फ्लोट स्टिच इज कंपोज ऑफ अ हेड लूप, वन और मोर फ्लोट लूप्स
एंड निटेड लूप्स। इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ नीडल होल्डिंग इट्स ओल्ड लूप फेल टू रिसीव द न्यू यार्न दैट पासेस। ठीक है, जब एक नीडल ने आपकी ओल्ड लूप पकड़ी हुई है और न्यू यार्न उसने रिसीव नहीं किया। न्यू यार्न कैसे रिसीव करती है नीडल? जब वो आप मूव करती है तो न्यू यार्न रिसीव करती है। अब जब नीडल आप मूव नहीं करेगी, न्यू यार्न रिसीव नहीं करेगी उस निटिंग साइकिल के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास मिस या फ्लोट स्टिच बनेगी। टू द बैक ऑफ द नीडल एंड टू द रिवर्स साइड ऑफ द रिजल्टेंट स्टिच। तो यार्न जो है वो जो उस पॉइंट पे उसने हुक के अंदर रिसीव नहीं किया वो उसकी बैक साइड पे चले जाएगा। Joining together the two nearest needle loops, knitting from it. अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो आप देखें ये इस पॉइंट पे नीडल आप मूव भी नहीं की, रेस्ट पोजिशन में ही रही, तो यार्न जो है वो इसकी बैक साइड पे आ गया। जबकि ये दोनों नीडल्स फर्स्ट और थर्ड ये आप मूव की हैं और इन्होंने नॉर्मल नीट लूप्स बनाई। स्ट्रक्चर इस तरह की होगी कि ये जो लूप है उसकी बैक साइड पे फ्लोट फॉर्म में यार्न आ जाएगा, इसको मिस स्टिच कहा जाएगा। तो फैब्रिक के अंदर आप इस तरह की फॉर्म में फैब्रिक को देख सकते हैं कि ये फ्लोट हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे फ्लोट, एक तो ये डिज़ाइन वेरिएशन के लिए मिस और टक लूप्स यूज होती हैं, कम्बिनेशन में यूज होती हैं नेट लूप्स के साथ। नंबर दो, जहाँ पे टक लूप्स यूज करेंगे तो फैब्रिक ज़रा सा थिकर आप बना सकते हैं, फीके में या पोलो शर्ट्स में यूज होती हैं टक लूप्स ज़्यादा। और जहाँ पे आप मिस स्टिच यूज़ करेंगे या फ्लोट्स यूज़ करेंगे ज़्यादा, तो आपका फैब्रिक जो है उसकी स्ट्रेचेबिलिटी मज़ीद कम हो जाएगी। तो अगर आपने इस तरह का आपको फैब्रिक बनाना है जहाँ पे स्ट्रेचेबिलिटी कम लेनी है और दूसरा आपने डिज़ाइन इफेक्ट लेना है, आप वहाँ पर मिस स्टिच कम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं नेट स्टिच के साथ। अच्छा, हमारी जी ये स्टिचेज हो गई, अब हम देखते हैं जी निटेड फैब्रिक क्लासिफिकेशंस के, निटेड फैब्रिक्स की कितनी टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ यार्न, यार्न की मूवमेंट के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ फैब्रिक फॉर्मेशन और फैब्रिक फॉर्मेशन के लिहाज से, कि यार्न किस तरफ को मूव करता है और फैब्रिक किस तरफ को मूव करता है, उस लिहाज से हम देखेंगे कि निटेड फैब्रिक की कितनी क्लासिफिकेशन है। तो ये अगर एक आप चार्ट देखें, फ्लो चार्ट देखें, इसमें दो तरह की क्लासिफिकेशन है। पहला है जी वेफ नेटेड और दूसरा है वार्प नेटेड। अब वेफ नेटेड के अंदर आगे दो टाइप्स हैं, सिंगल जर्सी और डबल जर्सी। ठीक है, सिंगल जर्सी में सिंपल अगर आप याद रखना चाहें तो वन सेट ऑफ नीडल्स होती हैं, डबल जर्सी में टू सेट ऑफ नीडल बेड्स होते हैं। एक ही पॉइंट पे दो सेट ऑफ नीडल बेड्स होंगी, डबल लूप्स बन रही होंगी, सिंगल जर्सी में सिंगल लूप बन रही होंगी, लाइटर फैब्रिक होगा, ओपन स्ट्रक्चर्स होंगी, इसमें ज़्यादा टाइटर फैब्रिक होगा, लूप्स ज़्यादा होंगी, स्टिचेस ज़्यादा होंगी। डबल जर्सी में मुझे तीन टाइप हैं, पर्ल, रिप और इंटरलॉक। इनमें थोड़ी थोड़ी वेरिएशन हैं, वो आप नेट पे खुद से स्टडी कर सकते हैं कि पर्ल, रिप और इंटरलॉक में क्या डिफरेंस है। देन वार्प नेटेड की काफ़ी टाइप्स हैं, जिसमें ट्राईकोट, मिलानीज, सिंप्लेक्स रैशल, कैटन रैशल, क्रॉशेट और वेफ्ट इंसर्शन बार, ये मुख्तलिफ तरह की टाइप्स हैं वार्प नेटिंग की।